कि जब तुम आकाश को देखते हो तो आकाश का सबसे सुंदर चेहरा तब होता है जब सूर्य पूर्व में होता है। धर्म के आकाश का जो सूर्य है वो उगा तो पूर्व में, वो पूरब की तरफ उगा, और पूरब से बढ़ता 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 वो पश्चिम तक पहुंचता है। तुम्हें जानना चाहिए कि हर हिंदू अपनी सुबह पूरब में सर झुका करके करता है और हर मुसलमान अपनी सुबह पश्चिम में सर झुका करके करता है। ये आपसी बैर नहीं है, ये धर्म का एक विस्तार है, ये धर्म का एक विस्तार है। पूरब धर्म की शुरुआत है, हम वैदिक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते हैं धर्म जब शुरू हुआ था, हमने पूरब के सूरज को देखा, हमने कहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जिसके प्रकाश से भूर्भुवस्वः तीनों के तीनों लोग प्रकाशित होते हैं, मैं उसके प्रकाश के सामने नतमस्तक हूँ। हमने सूर्य को देखा, सूर्य की चमक अनूठी थी, आकाश अनूठा था, और सूर्य की चमक के नीचे पूरी दुनिया लहलहाती दिखाई दे रही थी। नदी भी दिख रहा था, पहाड़ भी दिख रहा था, पेड़ भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। और जब सब कुछ दिख रहा होता है तो शक्ति और श्रद्धा दोनों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहता था सम्यक दिट्ठि, कम देखो, क्योंकि जितना देखोगे उतना आग्रह उतना अनुराग बढ़ेगा। पर वैदिक धर्म ने तो पूरी आंखें खोल करके देखा है, चौंक चौंक करके देखा है। विश्वामित्र नदी के किनारे खड़े होते, जरा देखिए ऋग्वेद क्या है, समझिए जरा सब। विश्वामित्र नदी के किनारे खड़े होते, नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, वो कहते हैं क्या ना अच्छा होता कि तुम ये उठान ना दिखाती, तुम आराम से नीचे की तरफ झुकती हुई बहती हुई जाती। नदी उत्तर देती है विश्वामित्र से, वार्ता करती है, मंत्र दृष्टा ऋषि वही थे जो वार्ता कर सकते थे किसी से भी। नदी उत्तर देती है, विश्वामित्र मैं ठीक वैसे झुकी हूं जैसे एक माँ झुकती है अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए, मेरी जो उठान है ये जो ऊंचाई है वो इसलिए है ताकि मैं ऊपर से नीचे गिरूं और तुम्हें जिंदा रख सकूं। भारतीय धर्म इसलिए नदी के सामने झुक गया, पहाड़ के सामने झुक गया, पेड़ के सामने झुक गया, तृण के सामने झुक गया, सूर्य के सामने झुक गया, क्योंकि दिन में सब दिखाई देता है, सबके सामने झुक गया। लेकिन जब तक पैगंबर मोहम्मद की नज़र पड़ती तब तक तो सूरज पश्चिम में जा कर के डूब रहा था, वो ख़त्म हो चुका था, जरा सी लालिमा बची थी, शाम का झुटपुटा था और इक्कम का चांद निकल गया था। इस्लाम का चिन्ह इक्कम का चांद है, पतला सा चांद, इक्कम का चांद निकल गया था, झुटपुटा था। शाम के झुटपुटे में ये तो लगता है कि बहुत कुछ है, पर ये नहीं लगता है कि क्या कुछ है, क्योंकि तब सूर्य सीधा नहीं आता है, सूर्य की किरणें परावर्तित होकर के आती, रिफ्लेक्ट होकर के आती। इसलिए जब हम कुरान पढ़ते हैं और अगर हम बगल में गीता या उपनिषद रख करके पढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है किस तरह से गीता रिफ्लेक्ट करती है, किस तरह से उपनिषद रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन वैदिक धर्म का, मोहम्मद ने उस रिफ्लेक्शन को प्रेजेंट किया है और इसलिए वहां पर एकता दिखाई देती है, यूनिफॉर्म दिखाई देता है, क्योंकि शाम यूनिफॉर्म पहना देती है सारी कुदरत को। तुम सुबह जब निकलते हो तो हर आदमी हर पेड़ छोटे छोटे बच्चों की तरह अपने अपने कपड़ों में नंगा धड़ंगा इधर उधर कूदता फांदता नजर आता है, लेकिन जैसे रात होते ही माँ सब बच्चों को समेट कर एक ही काले कंबल में लिटा करके बंद कर देती है, ठीक वैसे ही कुदरत रात के समय एक ही अंधेरे में सबको समेट देती है। और इसलिए इस्लाम सबको एक बराबर ले आता है, कहता सब एक बराबर हो जाओ, क्योंकि वो काल जिसमें कि सब एक दूसरे को समझते थे, वो काल जिसके बारे में भीष्म कहता है कि और वहाँ सभी धर्मज्ञ रहते हैं इसलिए ना कोई दंड है ना कोई दंडित है, वो काल बीत चुका था।
अब यहाँ धर्मज्ञ नहीं रहते थे, पापी रहते थे, धूर्त रहते थे, दुष्ट रहते थे। ऐसे में मोहम्मद के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि धर्म को एक यूनिफॉर्म दिया जाए, एक सिस्टम दिया जाए और सबको एक बराबर होने के लिए बाध्य किया जाए। ये बाध्यता धर्म का एक खंड है। तो इसको हमेशा याद रखना कि कोई भी धर्म इस पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जो, यदि कोई ईश्वर है तो उसकी इच्छा के बिना चलता है। और जब हमें एक जैसे चेहरे, एक जैसी बातें, एक जैसा भोजन, एक जैसा गीत, एक जैसा वस्त्र नहीं लुभाता है, तो तुम सोचो कि उस ईश्वर को क्या एक जैसा ही सब कुछ लुभाएगा? वो अपने रस के, वो नटराज है, वो नटेश्वर है, वो 16 कलाओं में नाचता है। तो उसमें एकम का चांद पहली कला तो है, शुरुआत तो है, अलिफ तो है। इस्लाम उसी अलिफ की बात करता है, शुरुआत की बात करता है, बुद्ध उस पूर्णिमा की बात करता है जहाँ सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। मोहम्मद से बुद्ध के बीच का सफ़र उसी उल्टी सीढ़ी की तरह चलता है। बुद्ध पर जाकर के कोई शिर्क हो ही नहीं सकता। मोहम्मद से शुरुआत यहाँ से होती है कि किसी के साथ बुरा मत करो। ये मज़ेदार बात है कि मुसलमान शिर्क को फोकस में रखता है और बुद्धिस्ट किसी से बुरा मत करो इसको फोकस में रखता है। ये एक अजीब सा ऑक्सीमोरॉन है, ये अजीब सा ऑक्सीमोरॉन है। लेकिन चांद का खेल एकदम अलग है। एक कहता है शुरू करो, कैसे कह रहा है ना, धर्म की शुरुआत देखो। ऋग्वेद शुरू करता है, कैसे कहता है, कहता है अग्नि तुम पुरोहित हो। ये कहते हुए ऋग्वेद शुरू करता है अपनी बात। हम बात किससे कर रहे हैं? हमने कहा अग्नि, जलती हुई आग, तुम हमारा रास्ता खोलते हो, तुम हमें प्रकाशित करते हो, तुम हमारे नायक हो, तुम हमारे पुरोहित। यहां से हम शुरू करते हैं। गीता कहां से शुरू करती है? और अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा कि बताओ वहां क्या हो रहा है। जिज्ञासा से शुरू होती है। तुम अंधे हो, तुम सब धृतराष्ट्र हो, यहां से वहां तक जितने बैठे हिंदू मुसलमान सारे धृतराष्ट्र, सबकी आंख बंद है, सबको अपने दुर्योधन से प्यार है। कहां ऐसा के सबको अपने दुर्योधन से प्यार है, सबको अपने दुशासन से प्यार है। सब द्रौपदी का चीरहरण होते हुए कस के आंखें बंद कर लेते हैं। देख लो, जब कोई द्रौपदी का चीरहरण कर रहा हो, कभी देखना तुम, तो जो सबसे शरीफ आदमी होता है उसकी आंखें कस के बंद रहती हैं, बस इसके ऊपर कुछ नहीं होता। और द्रौपदी का चीरहरण तुम्हें देखना है तो कहीं भी जहां चार लड़के अकेले बैठे हैं तुम चले जाओ, वहां एक द्रौपदी होगी और उसका चीरहरण हो रहा होगा। और जिसमें सबसे शरीफ लड़का होगा रह रहे कहेगा ऐसी बात मत करो, ये गलत बात है, सो बैड। धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र से दुनिया भर गई यहां से। लेकिन कुरान क्या कह रही है? कुरान कहती है पढ़, और कहती क्या है? शुरू कर। वो सबसे बिगिनिंग जहां से कर रही है वो कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, शुरू कर, बाकी सब बातें छोड़ो, वो कहती है शुरू कर। इसलिए वो इक्कम का चांद है जिसको अभी देख के तुम ईद मना रहे हो। शुरू कर, और शुरू किस दिन कर, यही है मज़ा। कुरान आपसे कहती है दिन में 5 बार शुरू कर, अभी किया फिर कर। फिर हो सकता है तेरी ज़िंदगी के 25 साल तूने नहीं शुरू किया सच के रास्ते पे चलना, पर अभी फिर मौका है, फिर से शुरू कर। ये बार बार शुरू करने का मौका तुम्हें कुरान देती है, बार बार शुरू करने का मौका तुम्हें इस्लाम देता है, बार बार शुरू करने का मौका तुम्हें धर्म देता है। तो जो तुमसे गलत हुआ उसके लिए तुम तौबा करो। तौबा के मानी ये नहीं कि तुम रो गाओ छाती पीटो, तौबा के मानी बस खत्म हो गया। अब ये, अब जो अगली चीज होगी वो नई होगी, सुंदर होगी। और क्या इससे भी ज्यादा तुम्हें कोई कृपालु चेहरा ईश्वर का मिलेगा, कोई रहमान मिलेगा जो तुम्हें हर बार कहता हो, दिन में 5 बार कहता हो शुरू कर, फिर से शुरू कर, फिर से शुरू कर, फिर से शुरू कर। तो इसलिए अगली बार जब आप कुरान पढ़ें मुसलमान होने के नाते, तो फिर से कुछ जिंदगी में नया और अच्छा शुरू करने के बारे में सोचिए। और एक हिंदू होने के नाते अगर आपका कभी कुरान पढ़ने का दिल कर जाए, आजकल हिंदुओं का बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कर जाए तो ज़रूर पढ़िए और शुरू करिए दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने। इसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी है
क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन रोज रोज पुरानी होती जा रही है और पुरानी होती जा रही है और संकीर्ण होती जा रही है। ऐसे में दुनिया को कुछ ऐसे नए मनुष्य चाहिए जो नई नई बातों को शुरू कर सके और ज़िंदगी को दोबारा लिख सकें।